प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ। हमारा पता है यूटीडी के नीचे, सिरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर। पिछले 8 सालों से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अंतरराज्यीय बदमाश को टीकमगढ़ पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सोजानिया ने मामले का खुलासा किया, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों से फरार बदमाश मुकेश यादव निवासी जसबंतपुरा थाना ओरछा निवाड़ी को बांदा रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया है। आरोपी 1999 से ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था। साल 2011 में आरोपी नगर पालिका ओरछा में उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुका है। बदमाश मुकेश यादव ने नवदुर्गा विसर्जन के समय छोटे से विवाद पर लोकेश यादव नामक युवक की हत्या कर दी थी। आरोपी पर थाना निवाड़ी में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चिरगांव, बांदा, दतिया, निवाड़ी जिलों में फरारी काटता रहा। आरोपी साल 2000 में जेल में बंद था, जब इसे पेशी के लिए न्यायालय ले जाया जा रहा था, उसी समय आरोपी पुलिस पर अपने साथियों से हमला करवाकर फरार हो गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना पृथ्वीपुर, भरेट, जिला दतिया, निवाड़ी, ओरछा में 12 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, हत्या का प्रयास समेत आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। टीकमगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर फरारी इनामियों की धरपकड़ की जा रही है। उसी तारतम्य में आज टीकमगढ़ पुलिस को मुकेश यादव, सन ऑफ बैजनाथ यादव, जो कि जसवंतपुरा थाना ओरछा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। ये व्यक्ति सन 2011 में एक मर्डर किया था, तब से फरार चल रहा है। उसके बाद 2018 में राजीनामा के दबाव करने के लिए इसने 2011 में जिसका मर्डर किया था उसी के पिता की हत्या कर दी, उसमें भी फरार चल रहा है। इसकी सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो ये हमारी प्राइम टारगेट लिस्ट में था जिसको हमें गिरफ्तार करना था। इसको कल बांदा रेलवे स्टेशन से टीकमगढ़ पुलिस ने अपने हिरासत में लिया और यहाँ पर लाकर इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर करीब 12 अपराध रजिस्टर हैं जो हमारे रिकॉर्ड में है, और सभी संगीन धाराओं में हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, फिरौती मांगना तथा पुलिस पे फायरिंग करना या पुलिस से मुठभेड़ होना। इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहें तो वो ओरछा थाना, पृथ्वीपुर थाना, झांसी के साथ महोबा, बांदा और कुछ हिस्सा हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र का भी रहता है, जिसमें ये सन 1999 से अपराध की दुनिया में संलिप्त है। और पहला जो संगीन अपराध इसने किया था उसमें इसने अपने ही चाचा के बेटे की हत्या करी थी सन 2007 में, तभी से इसका दबदबा काफ़ी क्षेत्र में बढ़ गया था। 2011 में जब इसने मर्डर किया था तभी नगर पंचायत उपाध्यक्ष था ओरछा का, उस दौरान इसने सिर्फ मात्र दुर्गा पूजा पे दो गुटों में हुई लड़ाई को लेकर इसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तभी से इसका वहाँ पर काफ़ी भय का माहौल फैला रखा था और हमें कई शिकायतें मिल रही थी, कई सूत्रों से जानकारी भी मिल रही थी कि अपने इस आपराधिक पृष्ठभूमि को यूज़ करते हुए ये वहाँ के कई लोगों से अवैध वसूली भी करता था। उसकी हम और जानकारी इकट्ठी करवा रहे हैं और उस पर भी जिन भी लोगों से इसने इस तरह की घटना की उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की। सर, इसको जो लोग संरक्षित करते रहे हैं या शरण देते रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी? सभी तथ्यों पर, सभी पहलुओं पर जाँच की जाएगी, जो भी आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज। प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है प्राकृतिक माहौल में बाइटी एवं फैमिली रेस्टोरेंट। जो यहां आए एक बार वो यहां आए बार बार। किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, शादी की सालगिरह या अन्य कोई पार्टी, लंच एवं डिनर की उत्तम व्यवस्था, चाइनीज एवं इंडियन व्यंजनों की स्वादिष्ट श्रृंखला, तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है यूटीडी के नीचे, सिरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर।